माइक हमेशा चाहता था कि सबका ध्यान उस पर हो, कभी कभी वो ज्यादा ही कर देता है, जैसे कि इस बार वो इतना केयरलेस हो गया कि उसने अचानक से पॉपेट समुद्र में फेंक दिया। उसे डॉल को बचाना होता है और यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, माइक के पानी के अंदर जाने की कहानी। हम आपको बताएंगे ये कैसे हुआ, पर पहले सब्सक्राइब करें, माइक आपका इंतजार कर रहा है। जब माइक टॉय को बचाने की कोशिश कर रहा था, तब उसके आसपास एक बूढ़ा जेलीफिश अपना नॉर्मल दिन बिता रहा था और इंसानों का कचरा इकट्ठा कर रहा था। माइक ने पहले इतनी बड़ी जेलीफिश नहीं देखी थी, तो उसने मरने की एक्टिंग की ताकि जेलीफिश उसे इग्नोर कर दे, लेकिन मिस्टर जेली ने पहले कभी इतना बड़ा इंसान पानी में नहीं देखा था। वो इस इंसान को अपनी कलेक्शन में जोड़ना चाहता है। मिस्टर जेली का स्टोर अंडर वाटर किंगडम में काफी फेमस है। फिर डिलन द मर्मेड और उसकी वाइफ रूबी वहाँ आए। ये दोनों ह्यूमन कल्चर को काफी पसंद करते हैं और हर वीकेंड अपने कलेक्शन के लिए कुछ नया खरीदते हैं, तो इन्हें माइक को खरीदना ही है। हे, क्या हुआ इंसान? शुक्र है कि डिलन के पास एक स्पेशल पोशन तैयार था जिससे माइक को गिल्स मिल गए और वो बच गया। माइक बहुत किस्मत वाला है, इसमें कोई शक नहीं, वो बच गया। और वो इतना खुशकिस्मत है कि वो सबसे अमीर अंडरवाटर फैमिली का हिस्सा बन गया। उनके पास अपना खुद का स्कूबा डाइवर्स का एक्वेरियम है। रूबी माइक को अपने नौकर से मिलवाती है, जिम, जो एक कायर क्रैब है। लेकिन माइक को इस बड़े पर्ल में ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन उसे पास से देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसके नए पेरेंट्स उसको उसका कमरा दिखाने के लिए बेचैन है। माइक को और उसके नए मर पेरेंट्स को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा। हमारा एडॉप्टेड बेटा एक इंसान है, हमें इंसानों से बहुत प्यार है, लेकिन माइक बाकी इंसानों की तरह नहीं है। वो यहाँ हमेशा नहीं रहना चाहता, उसके पास प्लान भी है। वो उनकी अच्छाई का फायदा उठाएगा, सही मौके का इंतजार करेगा और फिर बड़े पर्ल को चुरा लेगा। फिर वो तैरकर किनारे पर जाएगा और अपनी क्रश को दे देगा। जब वो इसे देखेगी तो वो भी उसे पसंद करने लगेगी, लेकिन इस प्लान के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि रूबी ने डिनर बनाया है। ये सारी दावत हमारे नए फैमिली मेंबर के लिए है, लेकिन माइक सिर्फ मिस्टीरियस पर्ल के बारे में सोच रहा है। पर माइक जैसे आम इंसान के लिए ये खाना थोड़ा अजीब है। पर अगर माइक को कामयाब होना है, उसे अभी के लिए उन्हें चकमा देना होगा। सभी के खाते समय शायद वो इस पर्ल को चुरा सके। ये तो काम कर गया, मरमेट्स ने ध्यान भी नहीं दिया। और अब वो माइक को डिजर्ट्स भी दे रहे हैं, पर उसे इसे खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पर्ल से उसका पेट भर गया है और अब वो टेबल से उठ सकता है। कुछ देर बाद डिलन और रूबी को पता लगता है कि उनका पर्ल गायब है। ये पूरे परिवार के लिए मुसीबत है। डिलन का तेज चिल्लाना, इसका मतलब जिम को नौकर से एक कॉप बनना होगा, जो कि एक निडर अंडरवाटर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट है। जब तक क्रैब सबूत ढूंढ रहा है, तब तक माइक खजाने के साथ काफी दूर आ गया है, वो भागने वाला है। उसे सिर्फ ऊपर की तरफ तैरना है ना? लेकिन पर्ल बहुत भारी है, वो इस भारी चीज को लेकर तैर नहीं पा रहा। प्लान बढ़िया लग रहा था, लेकिन माइक को नहीं पता था कि पर्ल इतना भारी होगा। उसे वापस जाना पड़ेगा। ये बहुत आसान था, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है, खासकर तब जब जिम पहले से ही मरमेट का घर ढूंढ रहा है। शुक्र है किसी को पता नहीं चला, ये सब माइक का किया हुआ है। बिना पकड़े उसके पास पर्ल वापस करने का अच्छा मौका है। अब ये घर शांत है, तो वो अच्छे प्लान के साथ उसे दोबारा चुराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जिम की तारीफ हो रही है और उसे खानदानी विरासत ढूंढने के लिए पैसे मिले।
अब क्योंकि पर्ल मिल चुका है, डिलन अपने बेटे को इसकी स्टोरी बताना चाहता है। एक बार की बात है जब डिलन एक जवान मरमैन था, बिना कुछ सोचे रूबी को देखकर पहली नजर में उससे प्यार कर बैठा। उसके पास खुद का कोई खजाना नहीं था, तो वो अपनी सुंदर मरमेट को क्या देता। उसके पास बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं था, उसे प्यार के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाना था। उसने अपना आखिरी डॉलर गेम में लगाया, जिसका ग्रैंड प्राइज वो बड़ा पर्ल था। उसके पास पैसे भले ही कम थे, लेकिन उसमें ताकत बहुत थी। उस दिन उसने सब बदल दिया। डिलन ने रिकॉर्ड तोड़कर प्राइज और रूबी का दिल जीत लिया। उसे डिलन के अंदर कुछ स्पेशल दिखा, इसलिए ये पर्ल उनके लिए बहुत कीमती है, इसी ने उन दोनों को मिलाया था। माइक को इससे बस इतना समझ आया कि ये पर्ल लड़कियों को इम्प्रेस करता है, जिसका मतलब उसका प्लान बेकार नहीं था। अगर पर्ल उसे मिल जाए तो वो अपनी क्रश का प्यार पा सकता है। लेकिन ये कैसे होगा अगर उसके पेरेंट्स उसे परेशान करते रहेंगे। रूबी उसका मेकओवर करना चाहती है। No. अगर वो इंसान है तो क्या हुआ, वो अब मर फैमिली का हिस्सा है, तो उसे वैसा ही दिखना चाहिए। चलो उसे थोड़ा और मरमैन जैसा बनाते हैं। पानी के अंदर इंसानों के कपड़ों से ज्यादा टेल और फ्लिपर्स काम आएंगे, ये सॉक्स और सैंडल से कहीं बेहतर है। ठीक है, टेल सही रहेगी। ये आउटफिट बहुत अच्छा है। ये टेल और फिन्स माइक को और ताकतवर बनाते हैं। उसने अपना नया आउटफिट पहना और देखा कि उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। अब वो फिर से पर्ल चुरा सकता है। इस बार वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो स्विम करके थक जाता है और समुद्र के किनारे सो जाता है। उसके पेरेंट्स को ये बहुत प्यारा लगता है। चलो इस शरारती बच्चे को घर वापस ले चले और वहाँ सुला दे। जब माइक अंडरवाटर रूम में जगता है तो वो बहुत नाराज होता है, क्योंकि वो निकल ही गया था, पर वो उसे नहीं ले जा पाया। पर चलो, कम से कम उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा नहीं है। उनको पता भी नहीं उसने पर्ल क्यों लिया, उन्हें सिर्फ अपनी फैमिली फोटो की परवाह है। रूबी और डिलन से फोटो देखने का इंतजार नहीं हो रहा, पर ये फोटो सही नहीं आई, क्योंकि फोटोग्राफर के पास हाथों की जगह क्लॉज है। आखिरकार उन्हें एक मिल ही गई, जिसका मतलब डैड बहुत खुश है और माइक को उनके साथ पूरा दिन बिताना है। डिलन के हिसाब से डैड और बेटे को साथ में चीजें करनी चाहिए, जैसे कि फिश बॉल खेलना। ये बेसबॉल जैसा दिखता है, पर आपको पफर फिश से खेलना होता है। ये क्लासिक मरमेट स्पोर्ट है। डिलन और माइक को सफाई भी करनी है। डिलन दिखाता है कचरा कैसे फेंकते हैं। इंसानों को प्लास्टिक बहुत पसंद है, क्यों ना उन्हें ये वापस कर दे। कितना बिजी दिन था। माइक को काफी प्यास लगी है, वो अपनी मॉम से पानी मांगता है। उसे सॉल्यूशन मिल जाता है, ये लो पानी। लगता है माइक भूल गया था कि वो कहाँ है, वो काफी गंदा हो गया है। ओह, आजकल के बच्चे, चिंता मत करो, बबल मैजिक से रूबी सारी गंदगी साफ कर देगी। माइक को इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। लेकिन उसके दोस्त खुश नहीं है। वो काफी दिनों से माइक का वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन माइक गायब है। माइक अपनी नई फैमिली के साथ इतना खुश है कि वो भूल ही गया कि वो जमीन पर रहता था। उन्होंने उसे एक ऑक्टोपस पेट भी दिया है। उसे याद ही नहीं आता अगर अचानक से रूबी को उसकी वो चीज नहीं मिलती जो माइक अपने दिल के पास रखता है, उसकी क्रश की फोटो। अफसोस, रूबी को एहसास हुआ कि वो और डिलन माइक को हमेशा नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी भी अपनी जिंदगी है। और अगर वो उसे कुछ दिखना चाहते हैं, तो उसे वापस जाने देना चाहिए। अब जब डिलन और रूबी को माइक की फीलिंग्स पता है, वो उससे बात करना चाहते हैं। उन्होंने उसे कहा कि वो समझते हैं और उसे भेजने के लिए तैयार हैं। उसे उनके साथ और रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसके कपड़े वापस दे दिए और जाते जाते गिफ्ट दिया, जो पर्ल है। ये उनके लिए बहुत मायने रखता है, पर माइक की खुशी और ज्यादा मायने रखती है। Hey guys, where are the pineapple?
वापस आ जाता है और अपने क्रश को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। पल तो बस एक मामूली चीज है, लेकिन माइक की खुशी उसके पेरेंट्स के लिए अनमोल है। क्या आपको हमारी नई कहानी पसंद आई? आपका पसंदीदा पार्ट कौन सा था हमें कमेंट्स में बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ट्रुम ट्रुम ट्रिक की कोई नई वीडियो मिस ना करें।